दोस्तों यूनिवर्सिटी व कॉलेज स्टूडेंट की परीक्षाओं पर प्रमोशन को लेकर मामला गर्म ही होता जा रहा है। वहीं पर परीक्षा को लेकर प्रमोशन से संबंधित एक और बड़ी खबर निकल के आ रही। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे। प्लीज वीडियो को देखते रहिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में एक छोटी सी वीडियो भी क्लिप प्ले होगी, उसमें मैं यही कहूंगा कि हर भारत के हर स्टेट और हर यूनिवर्सिटी में एक ऐसा छात्र संघ नेता होना चाहिए जो इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए हम दिखाते हैं वो वीडियो क्या है। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, यहां पर क्या लिखा वो पढ़ लेते हैं। लिखा है कि यूनिवर्सिटी कॉलेजों की लिखित परीक्षाओं को जुलाई में कराने का फैसला वापस ले हरियाणा सरकार। दोस्तों ये इंडिया के सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या बात, ये जो छात्र संघ नेता अध्यक्ष है ये क्या बोलेंगे और क्या नहीं बोलेंगे ये आप लोग खुद ही सुनिएगा, जिससे आप लोगों को आइडिया हो कि ऐसे ही छात्र नेता हर स्टेट और हर यूनिवर्सिटी में बनाना जाना चाहिए। ठीक है, वहीं पर आप सभी को मालूम है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज ने जुलाई में परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया है। वहीं पर इन्होंने कहा है कि फैसला वापस ले, यानी परीक्षाएं ना कराई जाएं। यहां पर लिखा अन्यथा अदालत का दरवाजा खटखटाएगी NSUI, यानी कि छात्र संघ नेता की जो एक संगठन है वो कह रही है कि अगर परीक्षाएं नहीं वापस, यानी जो फैसला लिया गया है परीक्षाओं का वापस नहीं लिया गया, तो हम अदालत का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। यानी कि विद्यार्थियों को बिना परीक्षा अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाए, नहीं तो अदालत तक मैटर जाएगा। ठीक है, तो आप लोग के सामने एक वीडियो प्ले होगी, अभी आप देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, हम वीडियो के लास्ट में आपको मिलेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए पहले आप लोग वीडियो देखिए, हम लास्ट में मिलते हैं आपको। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को लेकर आपका स्टैंड क्या है? देखिए जी, हरियाणा के अंदर चार यूनिवर्सिटीज ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है कि जुलाई में बच्चों के पेपर होंगे। धरनी जी, दो दिन पहले ही WHO की गाइडलाइंस आई हैं कि जून और जुलाई में इस कोरोना संक्रमण जो है वो पीक पर रहेगा, तो सरकार क्या सोचकर इस तरीके के फैसले लेती है? वहां जो उस बड़ी बड़ी कुर्सियों पे, बड़े बड़े पोजिशंस पे जो लोग बैठे हैं, उनके दिमाग में ऐसा क्या चलता है कि वो जुलाई में पेपर करा लेंगे? क्या सरकार ने ये सोचा है कि जो दूसरे स्टेट्स का बच्चा है, जो यूपी का है, बिहार का है, या जो दूसरे केरल से आ रहा है, तेलंगाना से आ रहा है, हरियाणा के अंदर खाली हरियाणा का बच्चा थोड़ा ना पड़ता है? और जब हालात ऐसे हैं कि अगर महेंद्रगढ़ के बच्चे को अंबाला आना पड़ गया तो उसे दो बसें चेंज करनी पड़ेंगी, और क्या हॉस्टलों के अंदर सरकार को लगता है कि हॉस्टलों के अंदर इस तरीके के हालात हैं कि बच्चों को रोक सकते हैं? और क्या जो बच्चा अपने घर से आएगा सरकार उससे मेडिकल सर्टिफिकेट लेगी? मेरी सरकार से दरखास्त है कि नौजवानों की जान से खिलवाड़ ना करे। 25-30 लाख स्टूडेंट्स जो है वो हरियाणा के अंदर पढ़ता है। अभी भगवान की दया से हरियाणा के अंदर बाकी प्रदेशों की बजाय हालात ठीक हैं। सरकार से दरखास्त है कि सरकार ऐसा कोई फैसला ना ले जिसके कारण सरकार को भी भुगतना पड़ेगा और जो बच्चे वहां पेपर देने आएंगे, नौजवान पेपर देने आएंगे, उन्हें भी इस चीज से भुगतना पड़ेगा। बिना परीक्षा दिए बच्चों को उत्तीर्ण करने से क्या आप सहमत हैं? देखिए जी, आपातकाल के अंदर जैसा मैंने पहले बताया कि सभी मर्यादाएं तोड़ दी जाती हैं। जब IIT कानपुर बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, IIT बॉम्बे बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, अमेठी जयपुर बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ जोधपुर बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कल ये फैसला ले लिया। ये सभी फैसले कोई रूटीन में नहीं लिए गए हैं। अगर ये आपातकाल ना होता, अगर ये कोरोना जैसी महामारी ना होती, तो हम सरकार के सामने ऐसी बात नहीं रखते, परंतु अब प्रदेश के हालात ऐसे हैं, देश के हालात ऐसे। तो दोस्तों आई होप आप सभी ने वीडियो देख ली होगी और आप सबने ये भी देखा होगा कि इस छात्र संघ अध्यक्ष का पावर और तेवर। मैं तो यही कहूंगा कि भारत के हर स्टेट व यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के हित में और उनके प्रॉब्लम में उनके साथ खड़ा होने वाला ऐसे ही छात्र संघ अध्यक्ष होना चाहिए जो उनकी हर प्रॉब्लम में उनके साथ हो और परीक्षा इस स्थिति को देखते हुए उनकी परीक्षा में प्रमोशन पे सबसे आगे खड़ा हो। ठीक है, तो आपको क्या लगता है आप कमेंट में जरूर बताइए कि भारत की सभी यूनिवर्सिटी में ऐसे छात्र संघ नेता होना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, मेरी उम्मीद है कि भारत के सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को जहां पर ये प्रॉब्लम चल रही है वहां पर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले को तो चांसेस पूरे हैं कि उनको प्रमोशन मिलेगा, लेकिन थर्ड ईयर वाले के इतने चांस नहीं, लेकिन उन पर भी कोशिश की जा रही है कि उनको भी प्रमोशन मिले इस देश में चल रही महामारी को देखते हुए। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसी तरह की हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। आपकी यूनिवर्सिटी का क्या नाम है कमेंट में जरूर बताइएगा और